नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मध्य प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले राजेंद्र शुक्ला के परिवार जनों की खुशी झलक रही है। उनकी बेटी ऐश्वर्या शुक्ला ने क्या कहा, हमें बेहद खुशी है, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हम बहुत ही खुश हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी वहां शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही है ऐश्वर्या शुक्ला। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। आपने कभी सोचा था आपके पिताजी डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री तो रहे हैं, लेकिन आप क्या कहें? बिल्कुल, हमने ये सोचा था कि हमारे पापा को बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी और आज उनको उस पोस्ट से पोस्ट मिलने जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमें बहुत खुश। किस तरह के काम करेंगे आपके पिताजी? आप यंग हैं, वो हमारे पापा बताएंगे। अब ज्यादातर उनका आई थिंक फोकस एजुकेशन में रहेगा और हेल्थ तो अभी उन्होंने किया ही है और अब एजुकेशन में जितना मुझको मालूम है उसमें वो फोकस करेंगे। एमपी के मन में मोदी जी भी आज आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्या कहेंगे? आपकी इच्छा है कि आप भी? बिल्कुल, हम मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा ही उनसे, बस वील जस्ट ग्रीट हिम एंड दैट्स अबाउट इट, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है फॉर श्योर कि वो हमसे इतना मिले, लेकिन डेफिनेटली उनसे मिलना चाहेंगे जैसे सब मिलना चाहते हैं। डिप्टी सीएम का जब घोषणा हुई थी आपने पता इस बात की होगी, तो उन्होंने बोला क्या कुछ करना चाहते हैं वो प्रदेश के लिए? अभी हमारी इतनी बात नहीं हो पाई है, डेफिनेटली आज ये हो जाए ये फंक्शन, उसके बाद हम लोग बात करें। तो वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह से पहले मध्य प्रदेश के मनोनीत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें दिए गए अवसर के लिए मध्य प्रदेश के लोगों और पार्टी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं की गति को दोगुनी करनी है। वही मध्य प्रदेश की जनता और हमारी पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया है, मेरी प्राथमिकता हमारे विकास परियोजनाओं की गति को दोगुनी करनी होगी। हम उद्योग, पर्यटन और कृषि सहित तीन क्षेत्रों में काम करेंगे। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश बनाना है और साथ ही देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भी। ये राजेंद्र शुक्ला की बयान सामने आई है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा अपना आशीर्वाद देने में, और परम सौभाग्य है कि हमारी पार्टी जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, पार्टी ने भी मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लायक समझा। मैं पार्टी नेतृत्व को और जनता जनार्दन को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, डिप्टी सीएम बनते ही आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, जो काम चल रहे हैं उन कामों को किस प्रकार से दुगनी गति से और चलाया जा सकता है, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, सारी स्थितियों का आकलन करेंगे और रोड मैप तैयार करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे और लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए रोड मैप जो बनेगा उस पर हम लोग दौड़ने का काम करेंगे, दुगनी गति से कार्य करेंगे। सर, कुछ आपका विजन हुआ कि नहीं, इस क्षेत्र में तो मुझे क्रांति लानी है मध्य प्रदेश में? सर देखिए, हम सब जानते हैं कि आर्थिक महाशक्ति यदि किसी भी राज्य को बनाना है, किसी देश को बनाना है, तो तीन क्रांतियों की बड़ी जरूरत होती है, औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति। ये तीनों क्रांतियों की दिशा में हम लोगों ने काम किया है, उस काम को और तेज करके मुकाम जो है हमारा मुकाम क्या है, तीसरे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, न सिर्फ आगे बढ़े हैं बल्कि उसके बहुत करीब हमारे देश को पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली है। उसी प्रकार से हम लोग भी मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाने का जो लक्ष्य है, हमारा मुकाम है, मुकाम हमारा वही है जिसको प्राप्त करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।